के प्रभार तय हो गए हैं, जहां इंदौर जिले को डॉक्टर मोहन यादव अपने पास रखेंगे। वहीं प्रहलाद पटेल रीवा का प्रभार देखेंगे, तुलसी सिलावट ग्वालियर की जिम्मेदारी संभालेंगे, चेतन कश्यप भोपाल का प्रभार संभालेंगे, तो कैलाश विजयवर्गीय सतना, जगदीश देवड़ा जबलपुर का प्रभार देखेंगे। राजेंद्र शुक्ला शहडोल के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं और ये जिम्मेदारियां तय की गई हैं। और इन जिम्मेदारियों में जो अब तक जानकारी मिल रही है, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर जिले की जिम्मेदारी अपने पास रखेंगे, जबकि प्रहलाद पटेल रीवा का प्रभार संभालेंगे। और ये जो बंटवारा हुआ है, इसमें इंदौर जिले का प्रभार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास, रीवा का प्रभार प्रहलाद पटेल को दिया गया है, तुलसी सिलावट ग्वालियर देखेंगे और चेतन कश्यप भोपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय सतना, जगदीश देवड़ा जबलपुर का प्रभार देखेंगे, राजेंद्र शुक्ल शहडोल के प्रभारी मंत्री होंगे। और इस तरीके से अलग अलग जिलों के प्रभार सौंप दिए गए हैं, जहां जिलों के प्रभारी मंत्री अब तय हो चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिनी मुंबई यानी कि आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है इंदौर देखने वाले। बड़ी जानकारी, जहां इंदौर का प्रभार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास, मध्य प्रदेश में मंत्रियों के जिले के प्रभार तय किए गए हैं, जहां पर कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को सतना का प्रभार दिया गया है, इंदौर जिले को डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालने वाले हैं, प्रहलाद पटेल रीवा का प्रभार संभालेंगे, तुलसी सिलावट ग्वालियर का, चेतन कश्यप भोपाल और कैलाश विजयवर्गीय सतना, जगदीश देवड़ा जबलपुर का प्रभार देखेंगे। और हमारे सहयोगी इस वक्त शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, बड़ी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों का बहुत महत्वपूर्ण जिले के विकास को लेकर होता है। देखिए विकास को लेकर जो भी रोडमैप बनता है उसमें प्रभारी मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय समय पर बैठकर आयोजित किया जाना, कार्यकर्ताओं के साथ सरकार और संगठन का समन्वय, ये प्रमुख काम होते हैं। और देखिये लंबे समय से मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों जो मंत्री है उनको अपने प्रभार के जिलों का इंतजार था, लेकिन 8 महीने के आसपास का समय मोहन सरकार को हो गया था और लंबे समय से जो प्रभार के जिले जो है वितरित नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको लेकर वह प्रभारी मंत्री से मिलते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री तक वो काम पहुंचते हैं और उसके बाद वो काम हो जाते हैं जो जनहित से जुड़े होते हैं। लेकिन जब प्रभारी मंत्री नहीं होते तो ऐसे में कार्यकर्ता को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से या फिर अपने जिले के मंत्री से मिलने की जरूरत रहती है। तो ऐसे में देखिए लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनके प्रभार तय कर दिए गए हैं। उज्जैन की बात करूं तो गौतम टेटवाल को यह दिया गया सीएम का यह क्षेत्र। इंदौर जो है वो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संभाल लेंगे। चेतन कश्यप को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को जबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम जो बड़े नाम जो लगातार जो हम लोग भी बता रहे थे, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो गुना की जिम्मेदारी जो है वो उदयपुर जो दी गई है राजपूत को दी गई है, इसके अलावा तुलसी सिलावट को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई। देखिए ये ग्वालियर जो है वो सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका, और जिस तरीके से हमने भी ये लगातार कहा था कि तुलसी सिलावट पहले भी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री रहेंगे, सिंधिया ये चाहेंगे कि उनके कोटे से आने वाले मंत्री ही वहां के प्रभारी रहे, और हुआ भी वही। गोविंद सिंह राजपूत को जो है गुना की जिम्मेदारी दी गई, जबकि शिवपुरी की जिम्मेदारी उनके खास प्रद्युम्न सिंह तोमर को दी गई है। तो तमाम जो बड़े दिग्गज मंत्री हैं उनको दो दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को सतना के साथ धार की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो अब प्रभारी मंत्रियों को जिले आवंटित हो गए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया था कि 15 अगस्त का जो झंडा बंधन होगा वो प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले में फहराएंगे, और उसी के अनुसार 15 अगस्त के पहले सूची जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आप आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक खबर है जहां अशोका गार्डन इलाके में खंभे से टूटा तार एक जिंदगी को हला कर गया, और तार जब नीचे आया और नीचे टूटी तार के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
और इस पूरे घटनाक्रम में दो लोग घायल हो गए। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और ये देखिए जब देर रात ही पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल एक व्यक्ति की मौत, दो लोगों के घायल होने के बाद हड़कंप की स्थिति। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर खंभे से टूटकर नीचे गिरी तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई, दो लोग घायल हो गए। हादसे में एक व्यक्ति की जान जाने के बाद इलाके में हड़कंप, और ये कोई पहली दफा नहीं है। दरअसल बारिश के दिनों में ज्यादातर ऐसी खबरें सामने आती हैं जब बिजली की तार की चपेट में आने की वजह से लोगों की जान जाती है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही की बात भी कही जाती है। भोपाल के अशोका गार्डन का ये पूरा मामला है, बहुत ही व्यस्ततम ये पूरा इलाका होता है, बहुत ही घनी आबादी यहाँ पर है, और ये एक बड़ा घटनाक्रम जहाँ पर तार टूटने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। अपना काम उससे है ना पूरा। और ये तस्वीर देखिए, जब देर रात तुरंत बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, सुधार कार्य किया गया और उसके बाद हालात थोड़े सामान्य हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, कहां लापरवाही हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई है, दो लोग जख्मी हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल एक गंभीर हादसा जो है कल देर शाम रात को अशोका गार्डन थाने में इलाके में सामने आया है। जिस तरीके से हाईटेंशन का एक तार है वो टूट कर गिरा, जहां पर एक दुकान के ऊपर ही टूट के गिरा, वहां पर जो डॉक्टर थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, दो लोग जो है गंभीर तौर पर झुलस गए। तो सीधे तौर पर ये ऊर्जा विभाग की लापरवाही कही जा सकती है। जिस तरीके से लगातार मेंटेनेंस की बात ऊर्जा विभाग की तरफ से कही जाती है, तो जो तार है उनके मेंटेनेंस लगातार किया जाता है ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों इंदौर में स्कूल बस पर तार जो है वो टूट कर गिरा था, और अब राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में जिस तरीके से तार टूट के गिरा है उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो ये बेहद गंभीर हादसा ऐसे कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल में अगर इस तरीके हादसे हो रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों में विद्युत व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। हालांकि ऊर्जा विभाग की तरह से तमाम तरह के दावे जो किए जाते हैं कि जो केबल है वो नई बिछाई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती है तो फिर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा होता है। हालांकि जो दो लोग जो है वो घायल है उनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी हालत जो है फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। देर रात को जब ये हादसा पेश आया उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, हालांकि जब यहां पर मेंटेनेंस का काम हो गया उसके बाद लोग थोड़ा सामान्य हुए, शांत हुए, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम सामने आया भोपाल के अशोका गार्डन का। इंदौर में दो भाइयों के विवाद में गोली चल गई, शराब के पैसे को लेकर ये गोली चली है। दरअसल बड़े भाई ने छोटे भाई को घायल कर दिया और फिर खुद को भी गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। गंभीर रूप से घायल भाई का इलाज जारी है। ये पूरा घटनाक्रम इंदौर से सामने आया जहां पर शराब का इस कदर नशा चढ़ा कि एक भाई ने आत्महत्या कर ली अपने दूसरे भाई को घायल करके। करीबन शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच में थाना एरोड्रम के अंतर्गत दुर्गा नगर के अंदर दो भाइयों में आपस में गोलीबारी का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो बड़ा भाई है प्रवेश, उसने अपने छोटे भाई को जावेद को अपनी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर से सबसे पहले जावेद पे फायर किया, जिससे जावेद के सीने पे गोली लगी। उसको पुलिस द्वारा BMY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तत्पश्चात उसने स्वयं को उसी बंदूक से गोली मार ली, जिसकी उसकी मौके पे मौत हो गई। पूरे प्रकरण में जब हमने मालूम किया तो ये पता चला कि दोनों के पिता हेड कांस्टेबल रहे हैं पुलिस के अंदर और अभी कुछ सालों पहले रिटायर हुए हैं। अब इसके अंदर परिजनों से जब हमने पूछताछ करी तो इसमें ऐसा ये निकल के आया कि दोनों का आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। दोनों ही अनमैरिड हैं, एक 40 वर्ष का है और एक 38 वर्ष का है। तो आए दिन पैसों को लेके दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। आज भी इसी ऐसी ही परिस्थिति निर्मित हुई।
गुना के बीनागंज में रिहायशी इलाके में तीन टुकड़ों में कटी हुई एक महिला की लाश मिली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बोरे में बंद महिला की लाश के अलग अलग तीन टुकड़े मिले। बीनागंज चौकी पुलिस ने शव को बरामद किया। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। मामला गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार महिला की शिनाख्त कैसे हो पाए, महिला कौन है, कहां की रहने वाली है और यहां पर उसकी लाश कैसे पहुंची है। ये पूरा मामला काफी गंभीर हो चला है और इसकी जांच अब की जा रही है। बीनागंज का जो वार्ड क्रमांक 15 है, वहां पे तीन बोरे में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी जो है वो कटी हुई अवस्था में मिली है। अभी हमारा ये प्रयास है कि महिला कौन है और उसकी शिनाख्त का प्रयास हम कर रहे हैं और जो है वो हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करके विवेचना में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से खबर है जहां बुखार से पीड़ित बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल मलेरिया की वजह से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इलाज के दौरान अस्पताल में बच्चे की मौत हुई और अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। दरअसल इलाज में लापरवाही का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगा है और बिलगहना उप स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा घटनाक्रम बिलासपुर से सामने आया, जहाँ एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई और आशंका ये जताई जा रही है कि बच्चे को मलेरिया था। मलेरिया से पीड़ित बच्चा जिसकी इलाज में लापरवाही होने की वजह से मौत हो गई। के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हुई है और पूरे क्षेत्र में मलेरिया और डायरिया की शिकायत लगभग विगत एक माह से ज्यादा हो गया, पूरे क्षेत्र में इसकी पीड़ित मिल रहे हैं। हम लोगों ने यह मांग की कि मृतक के जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया जाए, कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ बेलगाना अस्पताल में लगभग एक साल से MBBS जो था वो नदारद है, तो हम लोगों ने मांग की कि यहाँ पे ऐसे MBBS की नियुक्ति की जाए और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए MBBS की नियुक्ति की है और जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और अगली खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर एक महिला एजेंट से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला इंश्योरेंस एजेंट से गैंगरेप का आरोप लगा है। तीन युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पॉलिसी समझने के नाम पर एजेंट को घर पर बुलाया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन भी लिया गया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं भी महिलाएं जो फील्ड में काम करती हैं उनके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, क्योंकि पॉलिसी समझने के लिए घर में बुलाया और उसके बाद इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है और इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राज्यों में कई अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फेमा ने आज देश भर में प्रदर्शन और OPD सेवा में हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर होने वाला है। फेमा ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं। और भोपाल में कोलकाता की घटना का डॉक्टर्स ने जमकर विरोध किया। जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। जूनियर डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध कर काम किया। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का पूरा मामला है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबर बलौदा बाजार से, जहां कांग्रेस विधायक ने थाने में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने किया प्रदर्शन। दरअसल जमीन विवाद में कार्रवाई न होने का विरोध जताने के लिए पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर प्रदर्शन किया। जमीन का कोई विवाद जिस पर हल न निकल पाया तो इस पर प्रदर्शन किया गया कांग्रेस विधायक का थाने में, और कांग्रेस विधायक ने थाने में जाकर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और जमीन विवाद में कार्रवाई न होने की बात से नाराज विधायक अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे थे और उन्होंने विरोध जताया और कांग्रेस विधायक ने थाने में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल भाटापारा विधायक इंद्र साव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन विवाद के मामले पर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की और इस मामले में ढिलाई बरतने पर, देरी होने पर विरोध भी जताया।
और दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां 3 स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया। बिना लाइसेंस के चल रहे थे संस्थान, ओम क्लिनिक को बंद करने का नोटिस जारी किया गया। भाटिया डेंटल एंड पैथोलॉजी लैब को भी नोटिस जारी किया गया। केयर हॉस्पिटल भिलाई को भी बंद करने का निर्देश। जैमिनी हॉस्पिटल से मांगा गया जवाब। तो खबर दुर्ग से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने का नोटिस जारी हुआ है। और दंतेवाड़ा में 2 गुटों में झड़प हो गई। कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला किया गया। दरअसल हमले के बाद ग्रामीणों ने जाम लगाया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। गिदम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दंतेवाड़ा में 2 गुटों में झड़प पर कांग्रेस नेता पर हुए जानलेवा हमले के बाद यह विवाद और बढ़ता नजर आया। अब ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। और धार में संजीवनी नर्सिंग कॉलेज पर सीबीआई ने शिकंजा कसा और सीबीआई की टीम संजीवनी कॉलेज पहुंची। सीबीआई की टीम ने दस्तावेज खंगाले, जानकारी जुटाई गई, दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। संजीवनी नर्सिंग कॉलेज पर शिकंजा कसा गया है। सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां पर अब छापेमार कार्रवाई के दौरान तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। इंदौर के युग पुरुष आश्रम में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस ने डीसीपी विनोद मीणा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने डीसीपी को गड़बड़ियों से संबंधित सबूत भी सौंपे हैं। कांग्रेस में पार्टी ने आश्रम की लड़कियों को बेचने, मानव तस्करी करने, आर्थिक अनियमितताओं के मामले और कर्मचारियों को आधा वेतन देने और मृत बच्चों की जानकारी छिपाने तक के आरोप लगाए हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेसियों ने डीसीपी पर कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं डीसीपी विनोद मीणा ने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा आज डीसीपी कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर वह उनके द्वारा कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। इसके अंदर जैसे कि आप सबको विदित है, माननीय कलेक्टर साहब द्वारा एक कमेटी का निर्धारण किया गया था और कमेटी द्वारा इसमें अपनी जांच की गई थी। तत्पश्चात उसके बेसिस पे जो भी कार्रवाई बनेगी पुलिस द्वारा की जाएगी। तो अभी हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक महिला के हत्याकांड का आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तारी हुई है। पैसों के लेन देन को लेकर महिला की हत्या की गई थी। 2 जुलाई का ये पूरा मामला है, जहां हत्या की वारदात के बाद से आरोपी फरार था, लेकिन इस आरोपी को धर दबोचा गया है। ऋषिकेश से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला रायपुर का है। पैसों के लेन देन को लेकर महिला की हत्या 2 जुलाई को की गई थी और उसके बाद से आरोपी फरार था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची भोपाल। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू का एक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों की हलचलें तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया और खलबली मचा दी। बंटी साहू ने दल बदल कर सत्ता सुख का मन में रखने वाले नेताओं पर कटाक्ष किया है। सांसद विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा के सौसर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब हम चुनाव जीत गए, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन गई, अब कुछ कांग्रेस नेता बीजेपी में आने का प्रयास कर रहे हैं। चिट्ठी चल रही है, ये चिट्ठी लिखवाने का काम कर रहे हैं, मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए। विवेक बंटी साहू ने बड़े आक्रामक तरीके से कहा कि अब केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, उन्हीं की चलेगी जो 100% भाजपाई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 50% वाले नेताओं की नहीं चलेगी। इसका सीधा मतलब निकल कर ये आता है कि भाजपा में दोगले नेताओं की जरूरत नहीं। बंटी साहू ने कहा कि पार्टी में चुनाव से पहले आए कांग्रेस नेताओं का सम्मान है, पर जो अब सत्ता की चाह में आए हैं उनकी नो एंट्री है।
अब जब हम जीत गए उनको दिख रहा है कि भैया अब सब काम खत्म, तब वो चुनाव के बाद आना चाह रहे हैं। चिट्ठी में लोगों से लिखवाया जा रहा है, मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के कारण अब हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। इसलिए पहले ही मैंने कहा अब चलेगी तो किसकी चलेगी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की चलेगी। और कितने परसेंट वाले, 100% वाले। आज और छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई और उस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं से 1-on-1 चर्चा की। चर्चा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए और इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। और अब इस बैठक के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी और तय होगा कि आखिर क्या परिणाम हो सकते थे जिसमें कमी रह गई छत्तीसगढ़ में, और अब उस पर काम कैसे किया जाना, इसके संबंध में रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा जब अध्यक्ष को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आरोप लगते हैं तो ये तथ्यात्मक जांच अगर नहीं होगी तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते। इसमें मौली जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके और हर संभाग में हर विधानसभा से लोगों को चिन्हांकित करके बुलाया था और उनसे फीडबैक लिया था, और मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों को बुलाया गया है और उनसे चर्चा करके फिर फाइनल रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेंगे। पहले हम लोग लगभग 1100 लोगों से वहाँ मिले और आज स्टेट लीडरशिप से हम लोग वापस से मिलकर और रिपोर्ट बनाएंगे। कब तक ये रिपोर्ट बन जाएगी? हमारा प्रयास जल्दी ही रिपोर्ट बनाकर और सबमिट कर लेगा। सर दोनों विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव के ऊपर? नहीं, लोकसभा के संदर्भ में हम लोगों की ये कमेटी थी। क्या कुछ फैक्टर्स जो है वो सामने आए? ये हमारी सीक्रेट रिपोर्ट बनाने का हमारे को मैंडेट है और सीक्रेटली हमको बनाकर और पार्टी को देना है।